सितारगंज पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 11 पेटी प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की है। ये तस्कर नेपाल से माल लेकर आ रहे थे, वहीं बरामद हुई ई सिगरेट की कीमत 57 लाख रुपए है। पुलिस चीकाघाट पुल के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस ने एक कार को रोककर चेकिंग की तो उसमें ई सिगरेट की 11 पेटियां मिली। पुलिस ने इस मामले में नाजिम खान और अफरोज को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी नेपाल से ई सिगरेट लेकर आ रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये ई सिगरेट की पेटियां इन्होंने नेपाल के तस्कर रिंकू के पास से खरीदी। सिटी एसपी मनोज कत्याल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, साथ ही इन्होंने तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए इनाम की घोषणा की। सिटी एसपी मनोज कत्याल ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि इस तरह के नशे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद न करें। और एक ऑपरेशन क्रैकडाउन जो नशीले पदार्थों के विरुद्ध जो है एक ऑपरेशन आईजी स्तर साहब के स्तर से भी चलाया जा रहा है, इसके दौरान हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई इसमें की है। तो फिलहाल ये एक बड़ी सफलता हमें मिली है जहां पे हम लोगों ने लगभग 2190 ये वेप जूस निकोटीन हमने बरामद किया है, जिसको कॉमन भाषा में ई सिगरेट या ई पोर्टेबल हुक्का भी बोलते हैं, और इसकी जो कीमत है वो लगभग 57 लाख रुपए है। तो इसकी वजह से लंग्स में पानी भरना और मुंह सूखना और इसमें बड़ी बड़ी कैंसर सहित और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इससे होती हैं। तो आपके चैनल से हम अपील भी करना चाहेंगे कि इस प्रकार से कोई भी सिगरेट ई सिगरेट हुक्का आप बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।